सरकारों के परिवर्तन में सबसे ज्यादा योगदान रहता है सरकारी मुलाजिमों का, और आज हम हैं राजस्थान यूनिवर्सिटी के में, और यहाँ पर राजस्थान यूनिवर्सिटी अशैक्षणिक जो कर्मचारी संघ है उनके अध्यक्ष हैं श्री राकेश कुमार यादव जी। और सरकारों के चेंज होने में, सरकार के परिवर्तन होने में, सरकार का रूप चेंज करने में कर्मचारियों का बहुत बड़ा योगदान रहता है, और गहलोत साहब जो मुख्यमंत्री हैं वो इसका भुगतान बहुत बार कर चुके हैं। और राकेश जी से सबसे पहले जानना चाहेंगे कि उनकी सरकार जो अभी सरकार चल रही है उससे क्या क्या मांगे हैं और क्या क्या दिक्कतें हैं जो सॉल्यूशन चाहते हैं। देखिए, मैं पहले तो आपका राजस्थान विश्वविद्यालय में स्वागत करता हूँ, और मीडिया के माध्यम से ये मैं बताना चाहता हूँ कि राजस्थान विश्वविद्यालय के कर्मचारी, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण मांगे हैं वो यहाँ के कर्मचारियों के लिए राज्य सरकार के अनुरूप जो व्यवस्थाएं हैं, पेंशन की व्यवस्था है, प्रमोशन की पॉलिसीज हैं, उनके लिए नीति निर्धारण के लिए राजस्थान विश्वविद्यालय प्रशासन को हमने कई बार ज्ञापन दिया है, उसके लिए धरना प्रदर्शन किया है, और राज्य सरकार को भी पत्र प्रेषित किया है। और जब जब राजस्थान विश्वविद्यालय में मुख्यमंत्री जी का आगमन हुआ है तो व्यक्तिगत रूप से मिलकर अनेक समस्याओं के बारे में उनको अवगत करवाया है, और जहाँ तक कुछ समस्याएं हैं उनका समाधान हुआ है, लेकिन जो समस्याएं काफ़ी पुरानी थी उनके ऊपर अभी तक कोई समाधान नहीं हुआ है। कर्मचारियों की सबसे बड़ी समस्या थी कि राजस्थान विश्वविद्यालय में 4 के पश्चात कर्मचारियों को पुरानी मेडिकल की जो स्कीम थी उसका लाभ मिलना चाहिए, वो अब तक नहीं मिला है। चूँकि माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने अभी बजट में घोषणा भी करी थी कि जो ऑटोनोमस बॉडीज है वहाँ पर भी हम पेंशन को लागू करेंगे, वो अब तक राजस्थान विश्वविद्यालय में हुई नहीं है। और राज्य सरकार से हमें उम्मीद है, गहलोत साहब से उम्मीद है, जिस प्रकार से वे राजस्थान के दौरे पर हैं, अनेक समस्याओं के निदान में लग रहे हैं, उसी प्रकार से राजस्थान विश्वविद्यालय का अशैक्षणिक कर्मचारी संघ, यहाँ के तमाम कर्मचारी इसे और ध्यान आकर्षित हैं उनका भी, कि राजस्थान विश्वविद्यालय की भी वे सुध लेंगे, और उम्मीद है कि कर्मचारियों की मांगों में माननीय मुख्यमंत्री साहब पूर्ण योगदान करेंगे। राकेश जी, आपका ये जो संघ है इसमें कितने कर्मचारी आते हैं? राजस्थान विश्वविद्यालय में जो हमारा अशैक्षणिक कर्मचारी संघ है उसमें वर्तमान में लगभग 400 कर्मचारी कार्यरत हैं। आपने जो मांगे सरकार से कब कब रखी और किस तरह से? हमने राजस्थान विश्वविद्यालय प्रशासन के माध्यम से राज्य सरकार तक हमारी मांगे पहुंचाई है, जिसमें हमारे प्रमोशन की महत्वपूर्ण मांग है, हमारी मेडिकल सुविधाओं की मांग है। राजस्थान विश्वविद्यालय में सबसे जो बड़ी समस्या आ रही है, चूँकि पहले लगभग 1800 पद हुआ करते थे और आज लगभग 400 कर्मचारी कार्यरत है, इसलिए कर्मचारियों को के ऊपर काफ़ी वर्कलोड है, काफ़ी भार का सामना करना पड़ रहा है, इसलिए राजस्थान विश्वविद्यालय में अशैक्षणिक कर्मचारी संवर्ग की भर्ती हो, ये भी हमारी एक बहुत महत्वपूर्ण मांग है। सरकार जो अभी तक, क्योंकि सरकार का लगभग 4.5 साल लगभग पूरा हो गया है और लगभग 6 महीने और बाकी हैं, तो आप क्या मानते हैं कि मुख्यमंत्री आपकी बात सुन पाएंगे? देखो, मुझे विश्वास है कि जो भी सरकार होती है और अंतिम साल होता है उसमें आम जन की बातों को सुनती है, और मैं समझता हूँ राज्य सरकार को कर्मचारियों की भी जिस प्रकार से आखिरी साल में आम जन की बातें सुनी जाती है, कर्मचारियों की भी बातें सुने और उनकी समस्याओं का भी निदान हो, तो निश्चित रूप से सरकार को उसका लाभ प्राप्त होता है। अभी अभी जब राकेश जी से हमारी बात हुई तो उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री कल राजस्थान यूनिवर्सिटी आ रहे हैं, तो क्या आप उनसे मुलाकात करेंगे? हाँ, संभवतः हम कोशिश कर रहे हैं कि माननीय सीएम साहब से मिलकर जो राजस्थान विश्वविद्यालय की वर्तमान परिस्थितियां हैं, कर्मचारियों की समस्याएं हैं, उनको अवगत कराएं, और राजस्थान विश्वविद्यालय में भर्ती की हमारी एक महत्वपूर्ण मांग है, उसके लिए हम सीएम साहब को ज्ञापन प्रेषित करेंगे। सरकार चेंज होने वाली है, चाहे वो कांग्रेस रिपीट करे या बीजेपी रिपीट करे, और अगले 6 महीने में एक नई सरकार आएगी। मैं चाहूंगा कि राकेश जी से ये जानकारी लें कि वो नई सरकार से क्या उम्मीद रखते हैं। देखिए, कर्मचारियों का एक बहुत बड़ा एक समूह है राजस्थान में, और सरकार को लाने में, सरकार को रिपीट करने में और सरकार को बदलने में कर्मचारियों की एक महत्वपूर्ण भूमिका रहती है, इसलिए हर एक कर्मचारी यही सोचता है कि जो भी सरकार हो वो कर्मचारियों की समस्याओं का निदान करती है,
उनको आगे बढ़ने का अवसर प्रदान करती है। तो मैं समझता हूँ कर्मचारियों की एक महत्वपूर्ण भागीदारी होती है चुनाव में, और ये समय परिस्थिति तय करती है कि कर्मचारी किस स्थिति में रहेंगे, कहाँ रहेंगे। जैसा राकेश जी ने बताया, कर्मचारी का ना कोई धर्म होता है, ना वो किसी पार्टी का होता है। कर्मचारी वहाँ जाता है जहाँ उसको सुविधाएं मिलती हैं, उसको लाभ मिलता है, और आने वाली सरकार से वो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी मांगों को पूरा करने का के लिए ज्ञापन भी देंगे और उम्मीद भी करेंगे। और हमें ये उम्मीद है कि आने वाले समय में जो राजस्थान यूनिवर्सिटी के शैक्षणिक कर्मचारी हैं, उनकी मांग को पूरा किया जाएगा। धन्यवाद राकेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू।